हेलो गाइस, हाँ पार्क भी जाएंगे, गौशाला भी जाएंगे। हम पार्क जा रहे हैं, हार्दिक कहता पार्क लेके जाओ, तो उन्होंने कहा चलो पार्क चलते हैं। आओ आपको पार्क दिखाते हैं और गौशाला दिखाते हैं कोटकपूरा के। हेलो गाइस, ये देखो हम लोग जा रहे हैं पार्क, गौशाला जा रहे हैं। हार्दिक जा रहा है साथ, है ना हार्दिक? बताओ कहाँ जा रहे हैं? ये हमारा जो है सिखा वाला रोड है कोटकपूरा का, ये आप देख सकते हो ग्रीन एनक्लेव आ गया है, ठीक है। इस साइड अम्बेडकर पार्क आ गया है और ये हमारा छोटा नहीं कहाँ जा रहे हैं? गौशाला। हाँ काओ लगी ना, ये काओ लगी हुई है, यहाँ से गौशाला स्टार्ट है। हेलो गाइस, अब हम गौशाला पहुँच गए हैं। कौन है हार्दिक ऊपर? कृष्णा ये हमारा गौशाला का बाहरी गेट बना हुआ है, के अंदर जा रहे हैं और ये हम गौशाला के अंदर आ रहे हैं। हम गौशाला में एंटर हो चुके हैं, आप देख सकते हो ये हमारे कोटकपूरा की गौशाला है। यहाँ पे जो गायें हैं उनके लिए चारा तैयार किया जा रहा है और इस साइड बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना हुआ है। हार्दिक आया तो खेलने के लिए था, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पे पानी बहुत खड़ा हुआ है और हमें यहीं से वापस जाना पड़ेगा बिना बच्चों को खिलाए के। झूले लगे हैं बच्चों के लिए, ये देख सकते हो आप, लेकिन पानी ज़्यादा खड़ा होने की वजह से यहाँ पे बच्चे खेल नहीं रहे। अब हार्दिक जा रहा है अंदर, देखो हार्दिक गाड़ी में लिफाफा है, इसमें जो घर की बची रोटियाँ होती हैं वो हैं बच्चों को देने के लिए। उसके बाद चारा डालेंगे, ये देखिए चारे के लिए। ये बगजन है, ये देखिए छोटी छोटी गाय, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो नंद गोपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। ये देखिए काऊ खाना खा रही है। हार्दिक ऐसे नहीं फेंकते बेटा, ये देखो हार्दिक खिलाओ, क्या खिला रहे हो? अरे हार्दिक छोटा है ना, दीवार बड़ी है तो इसको दिख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ। हार्दिक खाना दो। अरे अरे ऐसे नहीं फेंकते बाबू। ये देखिए बड़े वाली काऊ, हार्दिक कह रहा ये बड़े वाली काऊ है। अरे हार्दिक फेंकना नहीं यार। ये हमारी गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है, देखने में लग रही है कि छोटी होगी, बहुत बड़ी गाय। तो यहाँ के जो हमारे महंत ये हैं महेश मुनि जी बोरे वाले, इनके नाम पे ये गौशाला का नाम पड़ा हुआ है, बहुत ही सिद्ध संत थे। क्या आ गया, क्या करना है? टल बजाएगा अब हार्दिक कहता मैंने टल बजाना, चलो बजाओ। अरे यार जोर से, अरे हार्दिक ने टल बजा ही दिया, लग नहीं रहा था कि बजा लेगा। हाँ हार्दिक क्या चारा बेटा? चारा हाँ जा, चारा लेके आओ काऊ के लिए। और देखो हार्दिक चारा लेने के लिए जा रहा है। रुजर 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 रुजर। ये देखिए अब चारा बरकवा रहे हैं काऊ को खिलाने के लिए। तो मोटर लगी हुई है, ऐसे चारा काऊ के लिए तैयार किया जाता है। ये अंकल जी भर रहे हैं, उसके बाद ही काऊ को खिलाया जाएगा। अरे जगह अरे अरे, ये हमने चारा लिया है काओ को डालने के लिए, देख सकते हो एक बोरा, अब इसको डालेंगे काओ को देंगे खाने के लिए और उसके बाद
पार्क के लिए चलेंगे, फिर आपको पार्क दिखा के लेके आएंगे। कोटकपुरा का जो पार्क है, ये हमारे कोटकपुरा शहर की गौशाला, बहुत ही सुंदर गौशाला है। आप तो गाँव बोरे गाँव, ये देखिए, ये काव पहले से रेडी हो जाती है, जब कोई आता है ना तो पहले से रेडी हो जाती है कि हाँ खाने के लिए कुछ मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सुंदर नज़ारा होता है यहाँ दिया गया है, और खा रही हैं बड़े आनंद से खा रही हैं, देख सकते हो आप सारी की सारी काव खा रही हैं। और ये देखिए बड़े ही सुंदर, आपको देख सकते हैं कृष्ण भगवान की, ठीक है, सारी की सारी जो तस्वीरें हैं आपको दिख सकती हैं लगी हुई हैं। और ये शहर के जो दानी सज्जन हैं उनकी तरफ से बनवा के यहाँ पे लगवाई गई हैं, हर एक फ़ोटो के नीचे उनका नाम लिखा हुआ है जिन्होंने इसको बनवाया है, और बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने शहर के उन दानी सज्जनों का जिन्होंने गौशाला के लिए ये जो तस्वीरें हैं बनवा के लगवाई हैं, धन्यवाद उन सबका बहुत। ये सारी की सारी गौशाला ही है हमारी, ठीक है, इसमें ये रास्ता बनाया हुआ है चलने के लिए, जहाँ से आप काऊ के लिए कुछ भी लेके आ सकते हो, गाय माता के लिए कुछ भी लेके आ सकते हो खाने के लिए। और यहाँ पे गांव के लिए गाय के लिए सारा कुछ उपलब्ध है, आप गुड़ डालना चाहते हो और किसी भी तरह का उनको मिश्रण खिलाना चाहते हो, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अब जो यहाँ पे बारिश हुई है इस वजह से यहाँ पे ऐसे लग रहा है, अदरवाइज यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, बड़े ही अच्छे सेवादार हैं यहाँ के। ये इस साइड का व्यू आपको लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ काव ही काव गायें दिखेंगी, बहुत बड़ी है अपनी। हाँ जी, हाँ हार्दिक, क्या हो गया, चलो चलो, ओ अरे जंप कर गया, चलो 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 चलो, ये देख सकते हो इस तरफ आ गया, और इस तरफ ये देख सकते हो आप गाय हैं, उनको बांधा गया है, देख सकते हो। रुक जा हार्दिक, रुक जा बेटा, यहाँ पे काओ सारी मस्ती कर रही हैं, आपको दिखाते हैं इनकी मस्ती। हाँ देखो, हाँ हाँ देखो, देखो खेल रहे हैं आपस, क्या क्या अच्छा दृश्य देख सकते हो आप। हार्दिक उधर क्या है, हैं अच्छा ठीक है, देख गा गेट बना हुआ है, रुक जा। यहाँ का दान पत्र है बच्चों। हेलो भाई, हम पार्क में खेलने आए थे, पानी वाला है, बारिश वाला पानी खड़ा हुआ है ना पार्क के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे हम घूम नहीं सकते, बहुत ज्यादा पानी खड़ा हुआ है बारिश के। मैं सॉरी गाइस, अगली बार दिखाएंगे पार्क का वीडियो, हम घर जा रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा चैनल हमारा वीलॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना यार, बच्चे देखें इसको यार, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी बोलो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है, थैंक यू देखने के लिए हमारे वीलॉग को।